सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः भद्रात्माओं, जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, सुदम में आओ संतो ये खल समय न भयोदा महादि महावीर न महाकस्वे न स्वबंधुना सबलोक दर्शना सदेवासर मानसस्य लोगस्य आ गदी गदी चौनो वादम बंधम मुखम आदि। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि मैंने साक्षात विराजमान भगवान महावीर के मुझसे जो सुना है, जीवों की आगति गति, जन्म उपाद आदि और बंध मोक्ष आदि, इसी श्रृंखला में मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। जैसा कि हम मंगलाचरण में पढ़ते हैं, भगवान महावीर हम सबका मंगल करें, श्री गौतम स्वामी हम सबका मंगल करें, और उसके अनंतर श्री कुंदकुंद स्वामी का नाम लेते हैं। उन्हें श्री कुंदकुंद स्वामी के द्वारा विरचित नियमसार ग्रंथ, जिसका कि मैंने स्वाध्याय कल से प्रारंभ किया है, मंगलाचरण में ही आपको सुना रही हूँ। नम्यून जिनम वीरम अनंत वरनाण दंसन सहावम वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली मणिदम। ये श्री कुंदकुंद स्वामी ने मंगलाचरण किया है। वो कहते हैं कि जो वीर भगवान अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि स्वभाव से सहित हैं, जिन हैं ऐसे भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके केवली और सुत केवली के द्वारा कथित ऐसे नियमसार ग्रंथ को मैं कहूँगा, नियमसार को मैं कहूँगा। इसे मैंने कल वीर की व्याख्या की थी संक्षेप में, कि जो अंतरंग वहिरंग लक्ष्मी से समन्वित ऐसे महावीर स्वामी, जो पांच नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है, वीर महावीर सन्मति वर्धमान और महाति महावीर, आज मैं जिनकी व्याख्या करूंगी, जिनम वो जिन है, जिनकी व्याख्या श्री आचार्य देव ने किया है, अनंत भाव प्रापण हेतुन, अनंत संसार में भ्रमण कराने के लिए कारणभूत जो क्या है, समस्त मोह राग द्वेषादीन, जो मोह राग द्वेषादिक हैं, यही अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं, इनको जयंती इति जिना है, जो इनको जीत चुके वो जिन है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी अरहंत भक्ति में कहा है, हीरापसुद्धि भक्ति में कहा है, जित मद हर्ष द्वेषा जित मोह परिसहा जित कसाया जित जन्म मरण रोगा जित माँ सरिया जयंत जिना। ऐसे जिन भगवान जैसी लोए कौन, कि जिन्होंने मद हर्ष द्वेष आदि को जीत दिया है, जित मद हर्ष द्वेषा राग द्वेष मोह आदि को जिन्होंने जीत लिया है, और जित मोह परिसहा मोह और परिसय आदि को जिन्होंने जीत लिया है, जित कसाया कसाय क्रोध मान माया लोभ इसको भी जिन्होंने जीत लिया है, इस सब पर विजय प्राप्त की है, और सबसे बड़े संसार में है रोग जन्म और मरण, ये दो रोग सबसे बड़े हैं, इनको भी जिन्होंने जीत लिया है, जित जन्म मरण रोगा है, जन्म मरण के दुखों से जो छूट चुके हैं, जन्म मरण रोग को जिन्होंने नष्ट कर दिया, जीत लिया है, ऐसे जिनाहा जयंतु, ऐसे जिन्हें भगवान जैसी होवे, ये जिनकी व्याख्या श्री पूज्यपाद स्वामी ने की है। बात यही है कि ऐसे यहाँ पर जो जिन भगवान हैं वो जो जीत चुके हैं, मूल चीज दो हो गई, एक तो जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया है, राग द्वेष मोह को जन्म मरण को जीत लिया है, उनसे छूट चुके हैं, उनसे रहित हो चुके हैं, और
जिन्होंने अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि गुणों को प्रकट कर लिया है। ऐसे महावीर स्वामी को, वर्धमान भगवान को, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी को नमस्कार करके, और मैं केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित नियम सार को कहूँगा। इससे जो है, इन्होंने श्री कुंद कुंद स्वामी ने अपने कर्तृत्व का निराकरण किया कि मैं अपनी बात कहूँगा, ऐसा नहीं है। केवली भगवंतों ने और जो शुद्ध केवलियों ने जो कहा है उसको मैं कहूँगा, उसी का आंसर लेकर के जो कुछ कहा समझा है सो कहूँगा, परंपरागत जो प्राप्त किया उसे कहूँगा, केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित को ही कहूँगा, वही प्रामाणिक है हमारे और आपके लिए। परंपरागत केवली और शुद्ध केवली की वाणी ही प्रामाणिक है। आज हम और आप भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं, साक्षात चतुर्थ काल की वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली, भगवान महावीर के समोसरण की वाणी हमारे पास मौजूद है, और हम उसको भूल रहे हैं, जान उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ईस्वी सन 1932 में लाला रामजी शास्त्री थे, मुरैना के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने आचार्य श्री सांसार महाराज के संघ के साधुओं के आवेदन पर 10 भक्तियों का हिंदी अनुवाद किया, तो उसमें उन्होंने चैत्य भक्ति का अनुवाद करके लिखा कि ऐसी चतुर्थकालीन वाणी जो साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली, जयति भगवान, सबसे पहले गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है जयति भगवान। जब भगवान महावीर के संवसरण में पहुँचते हैं, सबसे पहले उनके मुँह से निकलता है जयति भगवान, हे माम भोज प्रचार विजिमृता। जब सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेते हैं, पहुँचते ही मिथ्यात् दूर हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, और जयति भगवान, हे माम भोज प्रचार विजिमृता, भवर मुकुट छाय गिर्ण प्रभा प्रचुमित कलुष हृदया मानव भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादो यस्य प्रवद्य विसत्सुत। चैत भक्ति का प्रथम काव्य, भगवान महावीर आप जयशील हो, आप आकाश में गमन करते हैं तो आपके चरणों के नीचे देवगण दिव्य कमलों की रचना करते जाते हैं, संपूर्ण इंद्र सौ इंद्र आपके श्री चरणों में नमस्त करते हैं, और परस्पर विरोधी जंतु प्राणी, चाहे मनुष्य चाहे पशु चाहे देव, आपस के वैर को छोड़कर मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे आप जयशील हो, में ऐसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे पास है। और हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं, अभी रात्रि प्रतिक्रमण किया है, शाम को दैवसी प्रतिक्रमण करेंगे, 15 दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, ये प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं। इस बात को टीकाकारों ने, अनेक आचार्यों ने उनकी टीका करते हुए स्पष्ट कहा है। ऐसे दो चीज़ें आज हमारे यहाँ गौतम स्वामी के मुख से निकली उपलब्ध हैं, चैत्य भक्ति, जिसका कि हम लोग सभी, आप लोग भी पढ़ते होंगे सामायिक में, त्रिकाल सामायिक में जिसको पढ़ते हैं, जिसका हिंदी पद्य अनुवाद भी है, जय हे भगवान चरण कमल तव स्वर्ण कमर पर करें विहार, ऐसे भव्यात्मा हो श्री गौतम स्वामी की वाणी भी मौजूद है, और उसी परंपरा का सबका आश्रय करते हुए श्री कुंद कुंद स्वामी जो यहाँ नियमसार में कहते हैं कि मैं नियमसार को कहूँगा। तो पहले वीर भगवान को नमन किया है, नमस्कार किया है, तो वीर विशेषण और अनंत ज्ञान दर्शन से सहित, अनंत चतुर्थ से समन्वित, और जिन्होंने जन्म मरण आदि रोगों को दूर कर दिया, नष्ट कर दिया है, ऐसे जो जिन हैं, कर्मा रातिन जयती थी जिना है, ऐसे जिन भगवान के हम और आप अनुयायी हैं, भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं, हम और आप सभी भाग्यशाली हैं कि आज साक्षात भगवान ऋषभदेव के मुख से निकली दिव्य ध्वनि जो ऋषभ शासन जयंती पर्व फाल्गुन कृष्णा एकादशी को आता है, ऋषभदेव की वाणी फाल्गुन कृष्णा एकादशी को दिव्य ध्वनि खिली है सर्वप्रथम, और बहुत कुछ काल तक भगवान ऋषभदेव ने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया है, वही उपदेश
22 तीर्थंकरों ने और वही उपदेश अंत में भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्यधनी से जो कहा है, दिव्यधनी भगवान की 718 भाषाओं में कीर्ति है, द्वादशांग रूप रहती है और गणधर देव ही उसे द्वादशांग रूप से अंतर मुहूर्त में रचना कर लेते हैं। अंतर मुहूर्त में वो द्वादशांग महासमुद्र लिखा ही नहीं जा सकता, हमेशा ध्यान रखें, द्वादशांग की रचना लिखित नहीं हो सकती है। और मौखिक जो नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी महासाधु होते हैं वही द्वादशांग वाणी के पढ़ने के पात्र अधिकारी, और आरिकाओं को 11 अंग तक पढ़ने का अधिकार आगम में वर्णित है, मिला है। एकादशांग भ्रत जाता सारिका पी सुलोचना है, और इसी विषय को लेकर के वर्तमान में प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज ने जो षटखंडागम ग्रंथों का प्रकाशन कराया, विद्वानों से उसका अनुवाद आदि करा के प्रकाशित कराया, आज ऐसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और षटखंडागम ग्रंथ धर्मसेनाचार्य प्रसन्न भूतबली आदि आचार्यों से प्राप्त और उसी परंपरा में प्राप्त कुंदगुण स्वामी की वाणी, समय सार, पंचाश शिकाय, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण में वीर और जिनको नमस्कार करके श्री कुंदगुण स्वामी कहते हैं कि मैं नियम सार को कहूँगा। वो नियम सार क्या है? वो नियम सार जो है, नियम का अर्थ क्या है आगे स्वयं आचार्य करेंगे रत्नत्रय, और सार उसकी शुद्धावस्था आदि। तो भव्यात्माओं, यहाँ पर जो है मैंने नए विवक्षा को अपनी टीका में खोला है, इस शारदा चंद्र का टीका में, कि अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा भाव नमस्कार होता है। अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया और शुद्ध निश्चय व्यवहार नहीं की अपेक्षा से हाथ जोड़कर पंचांग अंजलि घुमा करके जो तीन आवर्त आदि करके नमस्कार करते हैं, मस्तक पर अंजलि रखकर आदि, ये द्रव्य नमस्कार है, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा है। और अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा भाव नमस्कार है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा नमस्कार की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। शुद्ध निश्चय ने मतलब ध्यान अवस्था, जिनमें ज्योतिष्वर भगवान आत्मा का चिंतन, ध्यान, मनन जो महामुनि ध्यान अवस्था में करते हैं, वो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा नमस्कार है। वो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा ध्यान अवस्था में ही नमस्कार है। अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा भाव नमस्कार, ये छठे गुण स्थान तक महामुनियों के होता है। चौथे गुण स्थान से लेकर हम और आप सभी ये भाव नमस्कार करते हैं। जिनेन्द्र भगवान के गुणों का स्मरण, भगवंतों के गुणों का स्मरण रूप जो नमस्कार है वो भाव नमस्कार है। और द्रव्य नमस्कार है पंचांग, साष्टांग, त्रियंग, तीन अंग, दो अंजलि जोड़ी और एक मस्तक रखा, मस्तक अंजलि पर, ये तीन अंग नमस्कार है। और दो से नमस्कार अंजलि जोड़ लिया, केवल हाथ जोड़ लिया। तो ये सब नमस्कार की विधि आगम में वर्णित है। इस प्रकार से भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार पूर्वक जो श्री कुंदगुण स्वामी भगवान महावीर को नमस्कार करके और नियम सार ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं, ये भव्यात्माओं, भले ये नियम सार ग्रंथ महामुनियों के लिए है, फिर भी आज परंपरा है, लोग षटखंडागम ग्रंथों का भी स्वाध्याय सुनते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ वाचना होती है षटखंडागम ग्रंथ की सैकड़ों हजारों श्रावक बैठते भी हैं, सुनते भी हैं, और समय सार ग्रंथ के पढ़ने की परंपरा भी चली है,
समय सार ग्रंथ यद्यपि पहले नियम सार पंचास्ती का है प्रवचन सार आदि का अगर आप पढ़ लेंगे तो समय सार पढ़ करके कभी भूल नहीं करेंगे, विचलित नहीं होंगे, निश्चय व्यवहार नयों का समन्वय करते हुए चलेंगे। निश्चय ने से हमारी और आपकी आत्मा भगवान आत्मा है, शुद्ध है, चिन्मय ज्योति स्वरूप है, कर्मल से रहित है। जैसे सिद्ध भगवान इसी नियमसार में आगे आएगा कि जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप है, कर्मों से छूट चुके हैं, अशरीरी हैं, वैसे ही हम और आप शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा संसार में अशरीरी चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। व्यवहार नहीं से शरीर से सहित है, कर्मों से सहित है, संसारी है, जन्म मरण के दुखों को उठा रहे हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, 8 कर्मों से सहित हैं। ये व्यवहार ने भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे व्यवहार ने से हम और आप भोजन करते हैं, शयन करते हैं आदि, वैसे ही व्यवहार ने से भगवंतों की पूजा अभिषेक दान आदि क्रियाएं भी, श्रावकों की क्रियाएं, साधुओं की आवश्यक क्रियाएं, 28 मूल गुण, श्रावकों के 8 मूल गुण या 12 व्रत आदि आगम में वर्णित हैं। श्री कुंदन स्वामी के मूलाचार में और पाहुड़ ग्रंथ में, चारित प्रावण आदि ग्रंथों में वर्णित हैं। उसी के अनुसार आज चर्या देखी जा रही है, मुनियों के भी मूलाचार के अनुसार आचरण करने वाले आचार्य सांसार महाराज आदि आचार्य हुए हैं और वर्तमान में हैं और हो रहे हैं ये सभी साधु। इसे कौन भाव लेंगे, कौन द्रव्य लेंगे, आप और हम निर्णय नहीं कर सकते सर्वज्ञ के सिवाय। सभी साधु नग्न दिगंबर मुद्राधारी, हाथ में जिनके मयूर पंख की पिच्छी है, सब हमारे और आपके लिए पूज्य हैं, वंदे हैं, नमस्कृत हैं। कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा नराहा। इसके काल में भी आज आपको दिगंबर मुनि दिख रहे हैं, बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है और पुण्य का विषय है, सौभाग्य का विषय है। आचार्य सांसार महाराज की कृपा प्रसाद से हम और आपने आज साक्षात दिगंबर मुनियों का, बड़े बड़े संघों का विहार देख रहे हैं, उनकी आहारचर्या, उनकी विहारचर्या, उनके प्रवचन, उनके द्वारा प्रभावना के कार्य, पंचकर्मा प्रतिष्ठा आदि में भाग लेना, मंदिर मूर्ति आदि निर्माण की प्रेरणा आदि देना, ये सब देख रहे हैं, साक्षात सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये सब पंचम काल में बहुत बड़े महान सौभाग्य और पुण्य का विषय है। तो इस प्रकार से ये मुनियों की चर्या, श्रावकों की चर्या, आगम के अनुकूल जो आज चल रही है, चतुर्विध संघ आज भी विद्यमान है और कब तक चलेगी, अभी 18,500 वर्ष तक चलेगी, और हमें और आपको ही उसी परंपरा को ले जाना है, आगे तक पहुंचाना है। आज की परंपरा ये बराबर चलती रहेगी, धारावाहिक चलेगी। तिलोय पंडित्ती में श्री यति विश्व आचार्य ने कहा है कि पंचम काल में चतुर्विध संघ का लोप नहीं होगा, बराबर चलेगी। आचार्य श्री वीरसा जी महाराज कहते थे कि दिगंबर मुनियों की चर्या, भले ही हम लोग जो है बहुत कहते थे लास्ट नंबर के हम लोग साधु हैं, हम लोग जो है अभी अभ्यास कर रहे हैं, प्रथम श्रेणी में हैं, अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी हम समझते हैं कि आचार्य सांसार जो हाँ आचार्य सांसार जी, वीरसार जी आदि आचार्य जो हुए हैं, शिवसार जी आदि का आचार्य, ये जो हुए हैं, जिन्हें हमने आंखों से देखा है, महान चतुर्थकालीनचर्या का पालन करने वाले ही हुए हैं और आज भी हैं चतुर्थकालीनचर्या का पालन करने वाले। 2-4 शिथिल हो उनको देखकर मोक्ष मार्ग दूषित नहीं होगा। समुद्र में एक कणी अगर विष की डाल दी जाए तो समुद्र का पानी दूषित नहीं होता है। ऐसे ही कोई 1-2-4 कोई गलती कर जाए, उसका भाग्य और उसका फल उन्हें भोगना होगा, लेकिन हम और आप
दिगंबर मुद्रा को देखते हुए, पिच्छी मयूर पंख की पिच्छी देखते हुए, आरिकाओं को देखते हुए, छिलक छिलकाओं को देखते हुए, चतुर्थकालीन के समान ही उनकी विनय करें। कलि प्रावर्ष इस कलिकाल में मिथ्यात्व के बादल छाए हुए हैं। खज्योत वस्तु देष्टारो हाथ द्यो कंदे कुचित कुचित, जुगनू के समान कहीं चमक रहे ऐसे साधु जो हमें और आपको दिख रहे हैं, यह हमारा और आपका पुण्य और सौभाग्य है। तो इस प्रकार से इस शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में, जहाँ से भगवान ऋषभदेव ने जन्म लेकर के मोक्ष मार्ग को साकार किया, प्रयाग में जाकर जनेश्वरी दीक्षा लेकर के दिगंबर मुद्रा को धारण करके और मुनिचर्या को बताया, ऐसे शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या और अपने अपने आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ अयोध्या में विराजमान जब 5 तीर्थंकर भगवान यहाँ जन्मे हैं और सभी तीर्थंकर भगवंतों को और जहाँ जहाँ जितनी प्रतिमाएं विराजमान है हमारे भारत में, भारत के बाहर भी, सभी ऐसी जिन प्रतिमाओं को, जिन मंदिरों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।